नमस्कार, मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। समय हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा के जैतपुर के खाली परेड ग्राउंड में। खाली तो आप इसको अब नहीं बोल सकते, तो आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे यहाँ पर एक पंडाल का भव्य रूप सजाया जा रहा है। जैसा कि आपको बता दें, भाग्यवर धाम के सरकार से मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में यहाँ होने वाला है। वो 10 से 16 तारीख तक यहाँ अपनी कथा लोग अपने भक्तों को सुनाने वाले हैं और उनका एक दिव्य दरबार बहुत काफी चर्चा में रहता। 12 तारीख को यहाँ पर दिव्य दरबार लगने वाला है। आप देखेंगे कि बारिश भी यहाँ काफी हो रही है, काफी जलभराव है और लेबर भी काम कर रही है। हालांकि केवल 2 दिन ही बचे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पूरे जोरों शोरों से कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। अभी हम यहाँ हमारे साथ यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर यहाँ श्रद्धालु आए हैं, इसको देखने अब हम बातचीत करेंगे। सनातन धर्म के लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज है बाबा जी को लेकर। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको दिखाया, बारिश का मौसम है और आप देखे यहाँ धीमी धीमी बारिश फिर से शुरू हो गई है, लेकिन श्रद्धालु यहाँ खड़े हैं। आस्था आप देखिए कि लोग यहाँ पंडाल अभी बन रहा है फिर भी आ रहे हैं। देखिए, बच्चों में भी काफी क्रेज है, एक हर वर्ग के लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से आप आए हैं, क्या करते हैं आप? अमित मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे बाबा जी आपके यहाँ आने वाले? सबसे जो आस्था है, आस्था को किस रूप में देखते हैं आप? आस्था तो मुख्य है जी, आस्था नहीं हो तो हम आएंगे ही क्यों? सनातन धर्म के लिए बाबा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, मौसम बहुत ज्यादा, देखिए बारिश यहाँ हो रही है, आप भी यहाँ खड़े हैं, मैं भी। अगर उस दिन बारिश हुई तो कितने लोग आने के अनुमान आप लगा रहे हैं? लाखों से ऊपर रहेगी, बारिश हो या कुछ भी मौसम हो। देखिए, उनको कहते हैं कि ये अर्जी लगाते हैं, आपके मन में भी कोई ऐसी मंशा है कि आप? अर्जी तो अपने आप को लगा देंगे, हमें लगाने की जरूरत ही ना है। देखिए, लोगों में काफी उत्साह है। अम्मा, सबसे पहले नाम बताइए, कहाँ से आई है? हम अहमदाबाद से आए, नाम गांव का डुबका। क्या कहना चाहेंगी पंडित जी के बारे में? पंडित जी के बारे में, वे तो अंतर आमिया है, भी सब कुछ जानता है और उनसे बड़ो कोई है नहीं। आखिर धर्म के लिए आज बेटा सारी दुनिया में अधर्म हो रहा हुआ है, उसके लिए पधारक है, उन्हें पसारी है, तो जनता को एक एकता बनाने के लिए तैयार भाई है। बागेश्वर धाम की जय हो। देखिए देखिए, लोग काफी उत्साहित हैं। मैम, सबसे पहले नाम बताइए, कहाँ से आप आई? मेरा नाम अर्चना मिश्रा है, मैं यहीं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। क्या कहना चाहेंगी बाबा जी आपके शहर आने वाले हैं? क्या यही खुशी है कि मेरे शहर में बाबा जी आए हैं, मुझे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग भी आएंगे यहाँ, रोज 8 दिन अपना समय देंगे और देखेंगे बाबा जी के कार्य। देखिए, सनातन धर्म को बढ़ाने की बात हो रही है, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगी? गुरु जी के आने से सनातन धर्म हर जगह बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ेगा। बहुत लोग उत्साहित हैं आने के लिए, यहाँ आएंगे जरूर और सब देखेंगे यहाँ क्या है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले नाम बताइए, क्या आपने कुछ स्पेशल मंशा रखी है कि बाबा जी से मुलाकात हो दिव्य दरबार में, या कुछ क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम रश्मि है, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ और मैं बागेश्वर जी से बहुत पहले से जुड़ी हूँ यहाँ पे, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर वो आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं रोज मन में लग रहा है मैं रोज आऊँ यहाँ पे, लेकिन बारिश वारिश का देख के थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। अच्छा है, डेली आऊँ मैं, थोड़ा सा सही, सब सही सही रहे मतलब। देखिए, अभी हमने यहाँ काफी महिलाओं से बातचीत की है, वो काफी उत्साहित हैं बाबा जी को सुनने के लिए, अभी वो हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक ठाकुर है, मैं यहीं ग्रेटर नोएडा का निवासी हूँ। सर, देखिए, जहाँ तक आस्था की बात की, देखिए बाबा जी काफी विवादों में हमेशा घिरे रहते हैं, जहाँ कुछ लोग उन्हें सनातन धर्म का एक प्रचारक मानते हैं तो कुछ लोग उनको एक अलग पाखंड की श्रेणी में भी जोड़ते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आस्था है या फिर एक प्रोपेगेंडा, क्या कहना चाहेंगे? देखो, आप बिल्कुल ये आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जब हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात आती है तो सारे पुरातत्व विभाग, सारे एनिमल लवर्स निकल के आ जाते हैं। अभी बीच में बकरीद हुई, खुलेआम रोड पे बकरे काटे गए, कोई धर्म का अनुयायी आगे नहीं आया। तो अगर बाबा जी झंडा बुलंद कर रहे हैं धर्म का, तो हम जैसे युवाओं को आज उनके साथ में आना चाहिए, क्योंकि हर धर्म आगे बढ़ रहा है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये हूँ कि मेरा हिंदू भाई अगर कोई दुखी है
तो उस तक हमारी मदद पहुंचनी चाहिए और हमारे धर्म की जो चीज़ें हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो वैसे ही रहे, उस पर कोई अंकुश ना आए। जब किसी धर्म पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि हमारे हिंदू धर्म पर ही सब लोग अंकुश लगाएं। तो हमारे जो बागेश्वर वाले बाबा जी हैं वो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन में अपनी सारी चीज़ें फैला रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की चीज़ें हैं, उन्होंने कई गुरुकुल खोले हुए हैं, जैसे बाबा रामदेव हैं। तो कुछ लोग हैं जो हमारे धर्म को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम हिंदू धर्म से हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके कथा प्रवचन को सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी इस धर्म को जाने। अभी आधे से ज़्यादा लोग इस धर्म को जानते ही नहीं अच्छी तरह से, जबकि विश्व में सबसे पुराना, सबसे अच्छा, सबको लेके चलने वाला धर्म अगर है तो कोई वो सनातन धर्म। सर देखिए, जैसा कि आपने कहा कि बाबा जी ये सब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे राजनीति से भी काफ़ी जोड़ते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, राजनीति है या क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा। देखो, जो देश को तोड़ने वाले हैं, जो जिन्हें हर चीज़ में भारत के टुकड़े टुकड़े देखने की आदत है, उनके मंसूबों पर बाबा जी पानी फेर रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद हिंदू इतना बहुसंख्यक हो जाए कि ऐसे नेताओं को रोड पर पीटा जाएगा। आप देखिए, वो समय आने वाला है, जो हिंदू धर्म की बात नहीं करेगा वो रोड पे पीटा जाएगा, क्योंकि आप एक धर्म को टारगेट नहीं कर सकते हो। अगर आपको कुरीतियाँ निकालनी है तो आप सब धर्मों से निकालिए। बाल विवाह हमने बंद किया, अगर कोई अच्छी चीज़ आ रही हमने एक्सेप्ट की, हम हिंदू धर्म से हैं लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन और धर्मों में आप देखिए, 14 साल की बच्ची का 3-3 बार शादी कर दी जाती है, उसके बारे में कौन सा नेता बोलता है? अगर आप एक धर्म के बारे में बोल रहे हो तो आप दूसरे के धर्म के बारे में बोलिए। लेकिन ठीक है, हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, इसीलिए हमारा धर्म आज तक चल रहा है, और ऐसे ही सनातन का धर्म का जो डंका है वो पूरे विश्व में बजता रहेगा। जय बाबा बागेश्वर धाम की। देखिए, लोग यहाँ काफी उत्साहित हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ से? अनिल कुमार, ग्रेटर नोएडा। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब? हम बाबा से यूट्यूब से जुड़े हुए, 3-4 बार धाम पे भी चले गए, तो बाबा यही है, सनातन धर्म का परचम लहरा रहे है और उनके अंतर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हम भी इसी आस्था में कि ग्रेटर नोएडा में आ रहे तो ये ग्रेटर नोएडा की भूमि पावन हो गई और हम काफ़ी खुश हैं। और जिस कंपनी में हम काम करते हैं, बालाजी की कृपा से ऐसा सिट डाउन पड़ा है कि हम पूरे दिन अपना पंडाल में बैठ के कथा सुनेंगे। किसी ने भी हमको बुलाया नहीं है, छुट्टी ऐसी पड़ी है, तो हमारा ये धन्य। तो आपको लगता है कि आस्था से सब कुछ मिल जाता है? सब कुछ मिलता, हमारी आस्था ही थी तो ग्रेटर नोएडा में आज हो रही है और हमारे पड़ोस में हम काफ़ी खुश है। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा सनातन धर्म पे, जो कि जो हमारे गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, मतलब हमारे हिंदू धर्म को लेके इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो मतलब कि अच्छे स्कूल में तो पढ़ रहे हैं लेकिन इन्हें महाभारत गीता का ज्ञान नहीं है, तो उनके आने से हमारे यहाँ पे एक ये तो है कि लोग जान रहे हैं। जो बच्चे अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी प्रथा चल रही है, अब सब लोग राम राम का नाम लेना शुरू कर रहे हैं, और मैं भी गुरुजी का नाम मतलब भजन बनाता हूँ इनके, और मेरा NP म्यूजिक बागेश्वर पे मेरा चैनल है, तो काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही है। अपने हिंदू भाई बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा हिंदू जो है धर्म है वो, और जो लोग हैं जागृत हो रहे हैं, और हमारे ग्रेटर नोएडा पावन धरती पे जैसे अभी गुरुजी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि जो ऐतिहासिक कलश यात्रा है वो जो टारगेट लिया जा रहा है वो भी मतलब जो टारगेट है वो रिकॉर्ड टूटेगा। और यहाँ पे जो टारगेट कर रहे हैं कि 1 करोड़ जनता आने वाली है पिछले आने वाले 8 दिनों में, तो वो तो आएगी आएगी, लेकिन लोगों में जो परिवर्तन होने वाला है तो वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी के आने से यहाँ की पवित्र धरती पवित्र होने वाली है और बहुत अच्छा होने वाला है। तो बागेश्वर धाम सरकार के लिए मेरे लिए बहुत दिल से बहुत श्रद्धा है और लोगों के मन में काफ़ी श्रद्धा है इनके लिए। देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप उनके भजन गाते हैं, तो क्या आप यहाँ कोई अपना भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा अभी नया, मैं आज ही रिकॉर्ड करने जाने वाला हूँ शाम को, जो मेरा भजन है जो मैं इनका बनाने वाला हूँ, उसकी 2 लाइन में बोल देता हूँ। उनका भजन इस तरह से मैंने गाया, हिंदुस्तान का हर हिंदू अब भगवा ही लहराएगा, अरे हिंदुस्तान का हर हिंदू अब भगवा ही लहराएगा,
अरे रोक सको तो रोक लो, कोई राम राज्य फिर आएगा। हाँ रोक सको तो रोक लो, कोई राम राज्य फिर आएगा। बागेश्वर हनुमान के आगे बसना किसी का चल पाएगा। अरे बागेश्वर हनुमान के आगे बसना किसी का चल पाएगा। इस युग में श्री राम का डंका हनुमत फिर से बजाएगा। अरे रोक सको तो रोक लो, कोई राम राज्य फिर आएगा। एनपी म्यूजिक बागेश्वर में मेरा ये भजन जहाँ तक भी कल या परसों में आ जाएगा। तो मैं सभी हिंदू भाइयों से ये प्रार्थना करूँगा कि भाई हिंदू भाई होके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और यहाँ पे एकजुट हों। देखिए हमने यहाँ हर वर्ग के लोगों से बातचीत की है, लोग काफ़ी उत्साहित हैं बाबा को यहाँ सुनने के लिए और उनकी फैन फॉलोइंग तो आप देखते ही हैं कि जहाँ भी कथा होती है लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। लेकिन फिलहाल हमने आपको बताया कि मौसम थोड़ा ख़राब है, फिर भी देखते हैं कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे यहाँ करोड़ों की। मैं मेघा राजपूत ग्रेटर नोएडा जयपुर से 10 न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।